ये है i5 नाइन जनरेशन 1060 Ti कार्ड के साथ, और ये है i7 एट जनरेशन 1050 एनवीडिया कार्ड के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम HP Pavilion i7 8 जनरेशन और HP Omen i5 9 जनरेशन का मुकाबला करने जा रहे हैं। दोनों में कार्ड डिफरेंट हैं, ये दोनों गेमिंग मशीन्स हैं, और देखना चाहते हैं कि रेंडरिंग कौन सी मशीन पहले करती है। तो दोनों पर मैंने एक ही वीडियो रेंडर करनी है, और यहाँ से हम रेंडर पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रेंडरिंग शुरू हो चुकी है, और ये जो मशीन है हमारे पास ये वाली, इसमें 1050, और ये मशीन जो है इसमें 1060 Ti का कार्ड है। अब देखते हैं कि पहले कौन सा लैपटॉप रेंडरिंग कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। इस लैपटॉप में भी 16 GB की रैम मौजूद है, और इस लैपटॉप में भी 16 GB की रैम मौजूद है। ये दोनों इसमें एनवीडिया के कार्ड हैं, लेकिन जो 1060 है वो बाद में आया था, जो 1050 है वो पहले आया था। तो देखते हैं कि इन दोनों लैपटॉप्स में से कौन पहले रेंडरिंग कंप्लीट करेगा। ये 15 मिनट की तकरीबन वीडियो है, और देखते हैं कि कौन जीतता है। ये आप देख सकते हैं कि 100% HP Omen जो है वो कंप्लीट कर चुका है, और अभी तक दूसरे ने कंप्लीट नहीं की। अब हम लैपटॉप्स को चार्जिंग पर लगाकर चेक करते हैं कि पहले कौन सा लैपटॉप जीतेगा। तो इस वक्त 5 मिनट की वीडियो हमने शॉर्ट करके लगाई है रेंडरिंग पर। दोनों हाई परफॉर्मेंस पर चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तकरीबन बराबर हैं, दोनों पर 100% हो चुका है, लेकिन HP Pavilion जीत चुका है। ये 5 मिनट की वीडियो थी। अब हम 15 मिनट की वीडियो लगाकर रेंडरिंग पर देखेंगे, तो ये तकरीबन बराबर ही चल रहे हैं 100% पर। देखते हैं 100% पर भी ये बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन पहले कौन सा करेगा। और ये i5 नाइन जनरेशन HP Omen जीत चुका है, और 32 सेकंड बाद दूसरे ने रेंडरिंग कंप्लीट की। और मैं कह सकता हूँ कि i5 नाइन जनरेशन बेस्ट है आपके लिए, अगर आप ये लेना चाहें तो बेस्ट है। HP Pavilion i7 8 जनरेशन भी हार चुका है, और HP Omen i5 नाइन जनरेशन GeForce GTX 1060 कार्ड के साथ ये जीत चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों लैपटॉप्स में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।